जस्ट देखा इन सब सवालों को बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जरा मैं मिलवाता हूं कि क्या इन सब जो एमयू में आए हुए सवाल हैं आपको, क्या हम इन सवालों को जो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, क्या इनको ट्रिक्स से नैप ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ट्रिक का रोल बहुत अहम है। क्योंकि एक कॉम्पिटिशन आपकी तीन क्वालिटीज को जज करता है, क्या आपके अंदर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है कि नहीं, क्या आपके अंदर आपकी टाइमिंग अच्छी है कि नहीं, आपको दो घंटे के अंदर पेपर करने आता है नहीं आता है, और क्या आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। तो इन तीन क्वालिटीज में जो टाइमिंग का रोल है उसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, खासकर मैथ का पार्ट, कि आप मैथ्स में 30 सवाल में कितने सवाल अपने प्रिस्क्राइब टाइम में लेके जा रहे हैं, उसमें एक अहम रोल मैथ्स के लिए खासकर ट्रिक्स का रोल बहुत अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी लगे रहे तो बहुत सारे ट्रिक्स सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का, अभी आपने बेसिक से सॉल्व किया, हो सकता है आपको एक मिनट लगे इस सवाल को, हम चुटकियों में कैसे इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो आप देख सकते हैं, मैंने बताया था इक्वेशन अगर यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, बीच का निगेटिव है, तो इक्वेशन जो भी टूटेगा स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म में, जिससे भी टूटेगा उसका उल्टा वाला आंसर, तो आपको पता ही अगर टूटेगा तो निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव में टूटेगा, तो इसका उल्टा वाला यानी मैथ्स के लिए आंसर जो भी आना है दोनों पॉजिटिव आने वाला, किसी भी ऑप्शन में दोनों पॉजिटिव, सिर्फ इसमें दे रखा है इसलिए आंसर सी है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं आपको। तो इस सवाल में एक छोटा सा नॉलेज, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए था, तो आपने बड़े आराम से कर दिया आंसर इसी। इस सवाल को जैसे मैंने आपको पॉलीनोमियल के ट्रिक ना रूट एंड जीरोस मेथड, उससे भी करके दिखाता हूं आपको, रूट एंड जीरोस मेथड की मदद से भी इस सवाल को आप बना सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। आपने कहा सर द सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए, तो द सम ऑफ रूट इज माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 4√3/4 काट दिया, द सम ऑफ रूट इज √3, द सम ऑफ रूट इज √3, जरा सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट इज 0, सम ऑफ रूट इज 0, सम ऑफ रूट इज नेगेटिव, द सम ऑफ रूट इज √3, द ओनली आंसर इज सी, इसलिए द रूट ऑफ जीरोस मेथड से बड़े आराम से क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको बिना फाइंड किए आप बड़े आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं। तो बहुत शानदार ट्रिक है ये, आपके पॉलीनोमियल्स क्वाड्रेटिक के सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। अभी ये सवाल जहां पे आप लोगों ने देखा था, आपने बेसिक से सॉल्व किया था इसको और आपने गलती कर दिया था, आपको मिलवाता हूं मैं अपने दूसरे फेमस ट्रिक से, एज्यूमिंग ट्रिक से तो ऑलरेडी मिलवा चुका हूं आपको, मैं मिलवाता हूं अपने दूसरे फेमस ट्रिक से, दैट इज ऑब्जेक्टिव ट्रिक। एक ऐसा ट्रिक जो आपको वर्स्ट प्रॉब्लम के सारे सवाल हर चैप्टर में जाकर लग सकता है, ये ट्रिक आपको इक्वेशंस को सॉल्व करने के, देखिए यहां पे एक मैंने इक्वेशन दिया, यहां पे इक्वेशन दिया, दोनों सवाल को इसी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव ट्रिक से, आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बेसिक आपका यहां पे फेल हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा अक्सर इसको ऑप्शन को सेटिस्फाई करके निकाल लेते हैं, अगर आंसर इन्हीं में से कोई एक है तो ये -3 इसको सेटिस्फाई करेगा, -3 हमने पुट करके देखा, -3 पुट किया तो -3 + 2 इज -1, और -3 इसमें पुट किया तो -6 + 7 दिस इज -1, दिस इज √1, √1 इज 1, तो -1 के बराबर नहीं, इसलिए -3 आंसर नहीं है, जब -3 आंसर नहीं है तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, तो ए भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर बी, तो लगे हम लोग बी को यानी 1 को पटक के देखते हैं, 1 को पटका, 1 + 2 इज 3, और अंडर रूट निकाला, 2 + 7 दैट इज √9, दिस ऑल्सो 3 = 3, हेंस द करेक्ट आंसर इज 1। तो जहां बेसिक में इतना लंबा इतना लेंदी सॉल्व करते हैं, बड़े चुटकियों में इस सवाल को आप सॉल्व करके आ सकते हैं, लगे आप जब ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स हम देख रहे हैं तो इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं ना, जो आरडी शर्मा के सॉल्व एग्जांपल उठाया गया है, हमने सॉल्व किया पहला ऑप्शन 0, एक्स की जगह 0 पटका तो इधर तो एलएचएस में 0 आ रहा है, अगर एलएचएस में 0 आ रहा है तो आरएचएस में 0 एक ही सर पे आ सकता है, जब ऊपर 0 लिखा हो, नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 तो आंसर इसका हो ही नहीं सकता है, तो लगे आप हम चेक करते हैं क्या -1 इसका आंसर है, तो x की जगह हमने -1 पुट किया, -1 पुट किया, यहां से -1 पुट करते हैं तो 2 - 1 दैट इज 3, तो -1 इज प्लस, तो 2 + 1 इज 3, 3 इधर गया, 3 × 2 = 6, 6 - 1, 6 - 1 इज 5, तो दिस इज इनडायरेक्टली 1/2 - 1/6, दिस वाज 6 upon 2 - 6, 3 upon 3, 6 upon this was 3, 3 into 2 = 6, 6 - 1 = 5, 5 upon 3, तो दिस इज 5/3, तो 3 ऊपर चला गया 5 नीचे, तो 5 into 2 = 10, दिस इज -1, 1/10 - 3, 10 - 3 = 7, और ये 5 ऊपर चला गया, क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है, तो आंसर -1 भी नहीं है। अब रहा सर, जब आंसर -1 भी नहीं है तो आपको +-1 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, तो बचा अब एक ही ऑप्शन हमें 1 है, जो कि आंसर सी होगा, फिर भी अगर अपने संतुष्टि के लिए आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो क्या 1 इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1 को पटक के देखा, x 2 - 1/2 - 1, 2 - 1 = 1, तो 2 - 1, तो दिस इज इनडायरेक्टली 1, तो दिस इज फिर से इनडायरेक्टली 1 निकल के आ गया, तो दिस इज 2 - 1, तो फिर से 1 निकल के आ गया, इधर क्या लिखा 1, तो 1 = 1, हेंस द करेक्ट आंसर इज सी।
तो आप बड़े आराम से इन ट्रिक्स की मदद से आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये इतना शानदार, इतना मजेदार है, नए ट्रिक से भी आपको मिलवाता हूं मैं, जिसका नाम है एलिमिनेशन ट्रिक। ये भी इन यूनिवर्सल ट्रिक है, जहां पे आप सवाल को पूरा सॉल्व ना करके आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। आपने सॉल्व किया तो देखा, क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लीनियर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगा था। आपको बेसिक से करके करने के बजाय आपको मैं ट्रिक से करके दिखाता हूं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। कहता है दो नंबरों का सम 27, दो नंबरों का प्रोडक्ट 182। अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट 182 है तो आपको पता है कि उन दो नंबरों में जो भी यहां लिखा होगा वो 182 को काट देगा, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट से ही 182 आया होगा। तो आपने क्या क्या जो भी ऑप्शन दे रखा है उन ऑप्शन से काटना शुरू किया 182 को। अगर इन्हीं में से कोई आंसर होगा तो 182 से कट जाएगा। तो 8 से काटा, नहीं कटा। 10 से काटा 182, नहीं कटा। 12 से काटा 182, नहीं कटा। 14 से काटा 182, कट गया। द आंसर इज डी। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमने क्या क्या एलिमिनेट किया, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो जो बचा वही हमारा आंसर है। तो इसको एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं। आप ऑप्शन को बहुत जगह, ये ट्रिक भी आपको बहुत सारे मैथ्स के चैप्टर में जाके लगेगा, और सवाल को नहीं भी आता हो आप आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो इन गिवन सवाल को हम बड़े आराम से, बड़े अच्छे से इन ट्रिक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ